ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन कर्मचारियों के साथ अब प्रदेश के राइट फाउंडेशन नाम के गैर सरकारी संगठन ने भी इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाने का फैसला लिया है। बकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिलाधीश राकेश प्रजापति के जरिए एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें इस मुद्दे पर गौर फरमाने के लिए महज 9 दिन का वक्त दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन कर्मचारियों के साथ अब प्रदेश की राइट फाउंडेशन नाम की गैर सरकारी संगठन ने भी इस मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाने का फैसला लिया है। बकायदा इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिलाधीश राकेश प्रजापति के जरिए एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें इस मुद्दे पर गौर फरमाने के लिए महज 9 दिन का वक्त दिया है। एनजीओ के पदाधिकारियों की मांग है कि 9 दिनों के अंदर इस मुद्दे का सरकार हल करके दे, अन्यथा उन्हें आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जिसमें अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। देखिए, हमने राइट फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से हमने आज जिला उपायुक्त जिला कांगड़ा जी के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है, जो ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली के लिए है, और जिसमें हमने लिखित रूप से सरकार से ये मांग की है कि इस विषय के ऊपर हर उचित कार्रवाई करें और 7 दिन के भीतर कार्रवाई हो, अन्यथा हमें विवश होकर आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ेगा। आज ओपीएस बहाली का जो मुद्दा है वो हर भारत के हर राज्य में इसके लिए कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी और जो दिवंगत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, रहे हैं, वो सभी संघर्षरत हैं और इसका जो लाभ है वो सभी को मिलना चाहिए। चाहे हमारे प्रदेश के माननीय नेतागण हैं, वो भी विकास के प्रति अपना सहयोग देते हैं, तो कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेरे हिसाब से उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह की रीढ़ की हड्डी होती है। आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या अगला कदम? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें विवश होकर आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ेगा।